तालियों का साथ देकर के गाएंगे। सभी तालियों का साथ है गोविंद का कीर्तन और उसके बाद आगे की कथा। कहती है लाला ओ काना तेरी सूरतिया राधा के मन में बस गई रे नागमिया मन में बस गई रे भगवान से कहा तुम लोगों की लड़ाई चल रही है जी बताओ पहले क्या भैया लड़ाई चल रही है क्या ताली काओ ना बजाए रे तुम्हारा तो बुमार है साहब धक्का प्लेट गाड़ी जितना धक्का लगाए उतनी बढ़ जाए फिर वही खड़ी है जाए बजाओ ताली सभी बजाओ बोलिए गोविंद भगवान की आज गंगा जी की धवल धारा के किनारे श्री सुखदेव जी महाराज
हस्तिनापुर राजन परीक्षा जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। कहने लगे कि राजन परीक्षित, आज भगवान कन्हैया ब्रज में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन भगवान कन्हैया ने अपने सारे ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और सभी ग्वाल वालों को बुला करके कहा कि भैया ग्वाल वालों, अब आप एक मंडली बना लो। भगवान कन्हैया ने ग्वालों की एक मंडली बनाई जिसका नाम रखा परीक्षित जी बाल गोपाल चोरी विद्या प्रसार मंडल। एक मंडल बना लिया और उस मंडल के अध्यक्ष हैं 3.5 वर्षीय भगवान कन्हैया। एक मंडल बना लिया, भगवान कन्हैया ने कहा कि ग्वाल वालों, आज ऐसा मन कर रहा है कि कहीं माखन खाने को मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहे। ग्वाल वाल कहने लगे, भैया कन्हैया या में कौन सी बड़ी बात है, अगर माखन खानो है चाहे तौन सी गोपी के घर में धस जाओ, माखन खाई ले। भगवान कन्हैया कहने लगे, इसका मतलब है चोरी करके खाना पड़ेगा। ग्वाल वाल कहने लगे कि भैया अगर माखन खानो है तो चोरी तो करनी पड़ेगी। परीक्षित जी ध्यान दें, क्या भगवान कन्हैया के यहाँ माखन नहीं होता था? 9 लाख गाय रहती थी नंद बाबा के घर, मगर चोरी करके माखन खाने की जरूरत क्या थी भगवान कन्हैया को, ये समझिए। चोरी करके माखन क्यों खाया भगवान कन्हैया ने? भगवान कन्हैया ने सोचा कि मेरे ग्वाल वालों में 2-4 ग्वाल वाले ऐसे भी हैं जिनके यहाँ माखन की व्यवस्था नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर मैं माखन खाऊंगा, मेरे ग्वाल वाले माखन नहीं खाएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बात, भगवान कन्हैया ने बाल अवस्था में कभी अपने चरणों में पादुकाएं नहीं पहनी, चप्पल। क्यों? क्योंकि भगवान कन्हैया ने सोचा कि मेरे कुछ ग्वाल वाले ऐसे भी हैं जिनके पास पादुकाओं की व्यवस्था नहीं है, अगर मैं पादुकाओं पहनूंगा तो ग्वाल वाल मुझ में और खुद में अंतर समझेंगे, मुझसे कहेंगे भैया ये बड़े घर का लड़का है और हम तो छोटे घर के लड़के हैं, भेदभाव की बात। इसीलिए भगवान कन्हैया ने सारे ग्वाल वालों के साथ मिलकर के चोरी करके माखन खाना प्रारंभ कर दिया। एक कारण और भी था परीक्षित जी इसमें, कि जब त्रेता युग में राम बन करके आए रामा अवतार में, तो रामा अवतार में भगवान राम की बंदरों ने बहुत सहायता की थी परीक्षित जी, समुद्र पर पुल बांधा गया बंदरों की मदद से। भगवान राम ने कहा कि चिंता न करो, आपने मेरी मदद की है, लेकिन जब द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तो मैं आपकी मदद करूंगा, आपको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। आज भगवान कन्हैया ने माखन की चोरी करना प्रारंभ कर दिया। भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा कि भैया ग्वाल वालों एक बात बताओ, सबसे पहले चोरी कहाँ की जाए ये बताओ। ग्वाल वाले कहने लगे, भैया कन्हैया सबसे पहले चोरी करनी है तो अपने ही घर में करो। हाँ परीक्षित जी, अगर बच्चा कोई भी गलत काम करता है तो सबसे पहले अपने घर में ही सीखता है, पहले घर में छोटी चोरी करेगा, बड़ी चोरी करेगा, फिर उससे बड़ी करेगा, फिर बाहर डकैती डालेगा और फिर डाका डालेगा, फिर तो डाकू बन ही जाएगा अंगुली माल की तरह। तो हर माँ बाप को ये चाहिए, बच्चों की देखभाल करनी चाहिए कि हमारा बच्चा किस रास्ते पर जा रहा है,
समय समय पर अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कराते हैं, तो माता शत्रु पिता बैरी ये न बालोन पाठता। वो माता पिता अपने पुत्र के संतान के बैरी होते हैं। समय समय पर अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, अच्छा मार्ग दर्शाना चाहिए। बेटा इस रास्ते पर चलो, ये रास्ता गलत है, ये ठीक नहीं है। समय समय पर परीक्षण करते रहना चाहिए। आज भगवान कन्हैया ने कहा कि ठीक है चलो आज अपने ही घर में चोरी करते हैं। बोले कहां करें? बोले मैया यशोदा के घर चलते हैं। अपने घर से शुरुआत तो करेंगे। जैसे ही कन्हैया ने ग्वाल वालों को साथ में लिया, मैया यशोदा पानी भरने के लिए चली गई। देखा घर खाली है। भगवान कन्हैया ने पास में माखन की मटकी रखी थी, सारे ग्वाल वालों से कह दिया भैया ग्वाल वालों खा लो माखन, ये रखा है। सारे ग्वाल वालों ने माखन का आनंद लिया है। माखन खाते जा रहे ही कुछ फैलाया कुछ खाया। जैसे ही माखन खा रहे थे, थोड़ी देर बाद मैया यशोदा और अंदर प्रवेश की। जैसे ही मैया यशोदा ने घर में प्रवेश किया है और मैया यशोदा ने देखा कि कन्हैया, जाकर के कन्हैया की भुजा को पकड़ा है और जवाब दिया क्यों रे नालायक, तू अपने घर में चोरी कर रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में चोरी करने की? क्या हमारे घर में माखन की कमी ही? अगर तुझे माखन ही खाना था तो तुझे मुझसे कहना चाहिए ना, मैं तुझे माखन देती, लेकिन चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? भगवान कन्हैया डर गए, मन में सोचने लगे भैया आज तो खूब मार पड़ेगी। मैया ने पहले दिन पकड़ लिया रंगे हाथों। अंत में मैया ने सोचा कोई बात नहीं है, अभी छोटा है, अगर मैं अभी इसको डांटूंगी नहीं तो आगे के लिए ये गलत रास्ते पर चला जाएगा, डांटना तो पड़ेगा मुझे। तो मैया यशोदा ने डांट फटकार लगाई और अंत में भगवान कन्हैया को गले से सीने से लगा लिया और प्यार से समझाया कि लाला आज के बाद चोरी मत करना, क्योंकि चोरी करना गलत बात होती है। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है मैया आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। मैया ने छोड़ दिया। अब परीक्षित जी कन्हैया ग्वाल वालों के साथ घर से बाहर निकल गए। अब कन्हैया थोड़े ही मानने वाले थे, सारे ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया अब क्या किया जाए? बोले क्या किया जाए, माखन तो चोरी करके खाएंगे ही, चाहे मार पड़े और चाहे कुछ भी हो, क्योंकि लीला तो करनी ही है। अंत में इस प्रकार की भगवान कन्हैया ब्रज में लीलाएं करते ही एक दिन कन्हैया ने सोचा, अपने ग्वाल वालों से कहा भैया ग्वाल वालों आज ऐसा मन कर रहा है कि चंद्रावली के घर चोरी की जाए। चंद्रावली अपने मन में और अपने आप को बहुत होशियार समझती है, चलो आज इसी के घर में चलते ही और आज इसी के घर में चोरी करेंगे। ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया अगर ऐसी बात है तो चलो हम भी आपके साथ चलते हैं और चंद्रावली के घर माखन की चोरी करेंगे। कन्हैया ने सारे ग्वाल वालों को साथ में लिया और आगे जाने लगे। सारे ग्वाल वालों को साथ में लिया है तो बताया संग कृष्ण हस चल संग
चल दीने पकड़ी है यार देखिया संग बाला ने प्रश्न हस चल दीने साथ में लिया है और जाने लगे सबने चोरी की करी सलाह संग बालाली ने कृष्ण हस चल दीने पकड़ी है लागे पुराह गोविंद भगवान की। जैसे ही भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के और चंद्रावली के घर में चोरी करने के लिए चले, देखा चंद्रावली घर पर नहीं है, घर में अंदर प्रवेश कर गए, चारों ओर घर में नजर को घुमाया, कहीं माखन की मटकी दिखाई नहीं दी। तब तक मंसका की नजर एक माखन की मटकी पर चली गई जो ऊपर सीके पर मटकी रखी हुई थी। मंसका ने कही लाला माखन मिल गया। बोले कहाँ है? बोले वो लटका है ऊपर। लेकिन उतारे कैसे? कन्हैया ने कहा चिंता न करो, माखन तो जरूर खाएंगे। बलदाऊ भैया से कहा कि दाऊ भैया आप एक काम करो, घोड़ा बन जा घोड़ा। परीक्षित जी जब छोटे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं घोड़े घोड़े का, आप वो खेलेगा? खेले जय हो महाराज। लालो बोलिए गोविंद भगवान की। अंत में कन्हैया ने क्या किया कि सारे ग्वाल वालों को एक दूसरे के ऊपर लगाया है तराऊ पर, और सबसे ऊपर हो गए भगवान कन्हैया, मटकी को पकड़ा दोनों हाथों से, एक हाथ से छीके को पकड़ा है और एक हाथ से माखन निकालते हुए जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। सारे ग्वाल वालों को दे रहे हैं, भैया खाओ। सब माखन खा रहे हैं। जैसे ही माखन खा रहे थे थोड़ी देर बाद क्या हुआ, चंद्रावली पानी भर करके वापस आ गई। जैसे देखा घर के किवाड़ खुले हैं, जैसे ही अंदर प्रवेश किया देखा कन्हैया, मन में सोचने लगी आज इसको छोड़ूंगी नहीं। और इधर परीक्षित जी जैसे ग्वाल वालों ने देखा कि चंद्रावली आ गई तो सबसे नीचे लगे थे बलदाऊ, एकदम बलदाऊ सबसे नीचे से निकल करके भाग गए। और जैसे ही भागे तो एटा पेटा मदमंगल छदामी मंसका जितने ग्वाल वाले थे सब धड़ाम से नीचे गिर पड़े। अब केवल अकेले कन्हैया रह गए। अब सीके को पकड़े और झूला झूल रहे हैं परीक्षित जी। चंद्रावली पास में आ गई और कहने लगी क्यों रे दारी के, आज तू एड़े पे पकड़ो गयो है। तेरी मैया ये कहती थी अरे मेरा लाला चोरी ना करे काऊ के घर, मगर आज आज तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। कन्हैया कहने लगे अरे गोपी तू बाद में बतरा लियो, पहले वो नीचे तो उतार ले। अंत में कन्हैया को नीचे उतारा है। गोपी ने कहा कि लाला आज तेरी मैया से शिकायत करूंगी। चंद्रावली ने क्या किया कि कन्हैया ने कन्हैया को एक खंभे से रस्सियों से बांधा और कही कि तू यही बंधा रहना, मैं मैया यशोदा को यही लेकर के आ रही हूं, क्योंकि ऐसे तो मानेगी नहीं। कन्हैया को बांधा और चंद्रावली मैया यशोदा के घर पहुंची और कहा कि मैया यशोदा। बोले हाँ मैया।
तुम्हारा लाला मेरे घर चोरी कर तो पकड़ो गयो है, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पे बंधियो है। मैया को बड़ी गुस्सा आई कि या छोटे से छोरा ने मेरी नाक में दम बंद करके रखे दिए है, कबू या गोपी की शिकायत, कबू या गोपी की शिकायत, आज मैं इसे ऐसा दंड दूंगी ये चोरी करना भूल जाएगा। चंद्रावली के साथ मैया यशोदा चली और उधर जहां कन्हैया बंधे हुए थे, परीक्षा जी क्या हुआ कि कहीं से चंद्रावली का लड़का कन्हैया के पास में आ गया और कन्हैया से आकर के कहा कि आहा भैया कन्हैया, आज तो खूब बंधे हो, आज तो खूब पिटोगे। कन्हैया कहने लगे क्यों रे, तेरा दिमाग खराब होगा, हम बंधे? बोले तो, बोले पागल हम बंधे ना है, हमारा तो ब्याह है रे। ब्याह? बोले हाँ। चंद्रावली को छोरा बोले परीक्षा जी, भैया कन्हैया तू तो बड़े घर को लड़का है, तेरे तो ब्याह फिर हो जाएगा, सबसे पहले तू मेरा ब्याह कराए दे। कन्हैया बोले हट, जैसे तैसे मेरा नंबर आया है वो भी तेरा ब्याह करा दू। ना 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 ना, चंद्रावली का छोरा कहने लगा भैया देख मान जा, तू पहले मेरा ब्याह करा दे। अंत में कन्हैया ने कहा कि चल ठीक है, अगर तू नहीं मानता है तो एक काम कर, ये जो मेरे रस्सियों से हाथ बंधे ही इनको खोल, और जैसे ही रस्सियों से हाथ खोले ही, अब भगवान ने कन्हैया ने कहा कि यहां जहां मैं खड़ा था वहीं खड़ा हो। चंद्रावली का लड़का वहीं खड़ा हो गया। कन्हैया ने उस चंद्रावली के लड़के के दोनों हाथ बांध दिए और खुद जाने लगे। चंद्रावली का छोरा कहने लगा भैया कन्हैया तुम कहां जा रहे हो? बोले पागल हो का बरात में अकेले ही जाएगा, मैं बरात लेवे जा रहे हूं। अंत में वृक्ष जी कन्हैया वहां से 9-2-11 हो गए। अब चंद्रावली का लड़का बंधा है। इधर चंद्रावली मैया यशोदा गुस्से में चली आ रही है, जैसे ही पास में आई मैया यशोदा ने आओ देखा न ताओ 5-7 छड़ी जमाई, और जैसे ही छड़ी जमाई तो चंद्रावली का छोरा रोयो, और जैसे ही रोयो और बाने कही मम्मी मैं हूं, और बाने जैसी कही मम्मी मैं हूं, चंद्रावली ने देखी क्यों रे, या तो मैं कन्हैया को बांध करके गई थी, तू कहां से आके मर गया? 5-7 छड़ी चंद्रावली ने लगाई। आज कन्हैया ब्रज में ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। बोली गोविंद भगवान की। आइए एक छोटा सा कीर्तन और उसके बाद आगे की कथा। हमारे भैया आ चुके हैं, उनके द्वारा आप गोविंद की कथा का पान करेंगे। सभी माताएं बहनें तालियों का साथ देकर के बजाएं। कहना सांगुर सलाने का कोई जवाब, क्यों मैया तुम ताली क्यों ना बजाओ? थी कहा बात है, तुम पे बात है बहुत करवाई लो, तुम्हें पता नहीं कथा भागवत में जो बातें करते हैं उनको अगले जन्म में क्या बनना पड़ता है पता है? कथा भागवत बात जो कर रही और अगले जन्म झिंगुरी, और समझ लो झिंगुरी देखी है तो दिर्रा चिल्ला रही है नॉन स्टॉप। अगर झिंगुरी न बनना हो तो शांति से कथा सुनो और गाओ। अरे सांगुर सलोने का कोई ना जवाब, कोई ना जवाब, तू है लाजवाब का ना, तू है लाजवाब, तू है लाजवाब का ना, तू है लाजवाब। चलो भैया पीछे तुम्हारी का लड़ाई चल रही है भगवान से, ताली बजाओ और गाओ। सांगुर सलोने का कोई ना जवाब, कोई ना जवाब। जय हो जय हो। श्रोता तो बहुत मिले पर तुम जैसे श्रोता मैया गा ले दो जना की और बात है आजकल की, फिर तुमसे न कहेंगे। गाओ सभी।
सामने सलामे का कोई ना जवाब, कोई ना जवाब, तू है ना जवाब, तेरा कोई ना जवाब, तू है ना जवाब, तेरा तू है ना जवाब। और बताया गोविंद भगवान की, कन्हैया लाल की, जय हो।